फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको क्या बताने जा रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लग कैसी अगन। रिम झिम गिर सावन, जी हाँ, सावन तो दूर है लेकिन मॉनसून तो आ ही चुका है। मॉनसून देश के हर पार्ट में आ चुका है। कहीं पे हैवी रेन्स है, कभी कहीं पे स्कैंटी रेन्स है, कहीं पे मॉडरेट रेन्स है, बट दे आर देयर ऑल ओवर। और सब जगह हरियाली है, काले काले बादल हैं, रिमझिम फुहारे हैं, अच्छे अच्छे रंग रंगीले छतरियां हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और क्या कहने जब हम छाता लेके बाहर घूमने निकलते हैं और सर्द हवाएं हैं, तो गर्मी की एक बहुत लंबी स्पेल के बाद हम लोगों को उससे बहुत रिलीफ दिया है ये मॉनसून ने। और मॉनसून जब भी आता है एक अलग तरह की खुशियां लाता है, क्योंकि सावन आता है, सावन में बहुत सारे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन आता है, तीज आती है, नागपंचमी आती है, और बहुत से जिसमें हमको बहुत सेलिब्रेशंस का मौका मिलता है। लेकिन मॉनसून में हम सबको, स्पेशली हम लेडीज को, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की भी जरूरत होती है, जिससे कि हमारी फैमिली एकदम हेल्दी और अनइन्फेक्टेड रहे। तो इसके लिए इन्फेक्शंस का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं। अगर वो गीले होके स्कूल से आए हैं किसी भी कारण से, तो उनको फौरन अटेंड कीजिए, उनको सुखाइए, वार्म दीजिए, गरम दूध वगैरह पिलाइए, सो दैट देयर बॉडी इज वार्म। घर के बुजुर्गों को कुछ ऐसे ड्रेसेस दीजिए जो कि उनको वार्म रखें। खुद तो बढ़िया बढ़िया सिंथेटिक जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियां पहनिए, कुर्तीज पहनिए, लखनवी चिकन के कुर्ते पहनिए और बारिश इंजॉय कीजिए। लेकिन कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखिए। मॉनसून तो एक बात कि अपने परिवार को बॉइल्ड वाटर दीजिए। स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना, अ बिग नो नो। एनी काइंड ऑफ जंक फूड अवॉइड। वॉश योर वेजिटेबल्स प्रॉपरली, वॉश देम, कट देम, दैट अगेन वॉश देम, सो दैट दे आर बिरेफ्ट ऑफ एनी इन्फेक्शन इन योर बॉडीज। कीप योर सराउंडिंग्स हाउस क्लीन। जस्ट टेक ए वॉक अराउंड योर बिल्डिंग और योर कॉम्प्लेक्स एंड सी इफ देयर इज एनी वाटर लॉगिंग इन द एरिया। इमीडिएटली कंप्लेन अबाउट इट, बिकॉज दैट विल ब्रीड मॉस्किटोज और सम अदर कीड़े मकोड़े, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, आपको बीमार कर सकते हैं। अगर आप मॉनसून में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हम सब पिकनिक मनाने जाते हैं, लोनावला, महाबलेश्वर और गोवा तो हमेशा ही हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो डॉक्टर से मिलिए, उससे कुछ ऐसे एंटीडोट्स लीजिए जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएं। इन सब बातों का ध्यान रखिए और मॉनसून को बहुत खुशनुमा बनाइए। और अगर आप घर पे ही हैं तो क्या बात है, पकोड़े तलिए, प्याज के, गोभी के, पनीर के, आलू के, ब्रेड पकोड़े और समोसे तो है ही हमारे ऑल टाइम फेवरेट, और उनको इंजॉय कीजिए कड़क अदरक वाली चाय के साथ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कड़क गर्म अदरक वाली चाय जो आपने एक्सेस ऑयल खाया है इन सब स्नैक्स के रूप में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है। और एक बात, स्किन केयर का रेजिमेन बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखिए, अपना, अपने बच्चों का, सबका, क्योंकि मॉनसून के मौसम में किसी वजह से बहुत इरप्शंस हो जाते हैं बॉडी पे, फेस पे। तो वैसे पाउडर्स लगाइए, एक्ने क्रीम्स लगाइए, देखिए आपको क्या सूट होता है, लेकिन स्किन केयर रेजिमेन छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि अब तो मॉनसून आ ही गई है। सेकेंड थिंग, रिमझिम बारिश हो रही है, फुहारें पड़ रही हैं, आप बारिश इंजॉय कर रहे हैं, मस्त चीजें खा रहे हैं, लता दीदी के मस्त गाने सुन रहे हैं जैसे कि मैंने आपको सुनाया, लेकिन एक्सरसाइज करना मत भूलिए। और इफ पॉसिबल
अपने बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में वॉक कीजिए, नहीं तो घर में ही वॉक कीजिए, नहीं तो अपने पैसेज में वॉक कीजिए, जहां मिले वहां पे वॉकिंग कीजिए। ये मत गिव अप कीजिए कि बारिश तो आई गई, अब हमें वॉक करने की क्या जरूरत है। डोंट मेक इट एज एन एक्सक्यूज। यू विल एंजॉय द वॉक मोर, यू विल एंजॉय द रेन्स मोर। तो मॉनसून्स तो लाते हैं बहुत सुहाने सपने, बहुत सुहाने अरमान। मॉनसून है मौसम का, सुंदर सुंदर गानों का, रोमांस का, फोक म्यूजिक का, डांसिंग का, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। और नहीं तो क्या अपने प्लेलिस्ट में मॉनसून के गाने बजाइए, एक से एक गाने हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, अंगना फूल खिले हो, बदरा छाए के झूमे, पर्वत हाइक अज रारी बदरिया को झूम के आया सावन झूम के। सो एंजॉय योर मॉनसून्स विथ सम कैवियट्स, ऑब्वियसली टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स, योर फ्रेंड्स, बट विथ दीज कैवियट्स, विथ दीज प्रिकॉशंस विच आई हैव टोल्ड यू, एंड मेक इट मोर एंजॉयबल। थैंक यू।